let's start, Pankaj. Like, what's your question? I have this one question with me. What's your question? Is it this your question? What is displayed on the string, if you can see it, or you have another question? What is your question? No, this is not my question, sir, because I am already preparing. Okay, so what's your question then? Sir, actually, revision. How do I revise my previous things? Okay, so you want to ask, like, how should we go with the revision strategy, correct? This is what exactly you want, ना? कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, कि प्रीवियस चीजों से Yes, कैसे करना चाहिए। मेरे तीन तीन चार चार सब्जेक्ट खत्म हो रखे हैं पहले से, पर रिवीजन की थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे। ओके, सो पंकज, कैन यू टेल मी हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर रिवीजन? हाउ मच एलोकेटेड टाइम डू यू हैव फॉर रिवीजन? एक घंटा, दो घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा, 2 घंटा? वन आवर इन दिल्ली। 1 आवर डेली? यस, ओके, मॉर्निंग इवनिंग? मॉर्निंग आफ्टर 6 o'clock, बिकॉज माई कोचिंग इज एक्चुअली आफ्टर 5 to 7। आफ्टर 5 to 7 आई गिव ओके, कूल। देम 1 आवर फॉर कितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए तुम्हारे? कूल, अभी मेरे तीन चार सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। 4 सब्जेक्ट्स फॉर 1 आवर। कूल, और कोई इंफॉर्मेशन, और कोई डेटा पॉइंट हम लोग जो यहाँ पे रख सकते हैं? आई डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। एक्चुअली आई स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर ऑफ द लास्ट नवंबर, और इन थ्री थ्री एंड हाफ ऑफ मंथ ऑफ थ्री आई कंप्लीटेड माई फोर सब्जेक्ट, सी एन बी एस सी एंड वन एजी नाउ का सीओ इज इन रनिंग टाइम। ठीक है। अरे, सो बेसिकली अगर मैं जॉट डाउन करूँ सिर्फ डेटा पॉइंट्स के हिसाब से, तो तुम अपना सुबह मॉर्निंग का 1 घंटा देते हो और तुम्हारे पास 4 सब्जेक्ट है कवर करने को, करेक्ट? और कोई भी सब्जेक्ट उसमें से हल्का सा नहीं है, सीओ है, सी है, डीएस है, करेक्ट? CNBA, हाँ, सॉरी, व्हाट, कौन सा, CN व्हाट? कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, सी है। कंप्यूटर। तो बेसिकली ऑन एन एवरेज यू आर स्पेंडिंग हाउ मच टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट इज 15 मिनट्स, करेक्ट? यस सर, हाँ, यार मुझे क्या लगता है, व्हाट व्हाट इज द इश्यू दैट आई एम टेलिंग यू, इज की दिस टाइम फॉर रिविजन। एक्चुअली ना मैं पूरे सब्जेक्ट को नहीं दे पाता, मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट को यूज करता हूँ, 1 घंटा पूरा एक ही सब्जेक्ट को दे नहीं, पाता हूँ। वो तुम्हारे ऊपर है, वो एक पर्सनल डिसीजन होता है, वो एक जेनरिक केस होता है, वो एक सब्जेक्टिव केस होता है, वो एक जेनरिक केस नहीं होता है कि मतलब कि हर आदमी ऐसा देगा। मैं जो क्वेश्चन तुमको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ ना, वो ये है कि तुम सी, डी एस, सी एन और सी ओ ए, तुम सोच रहे हो कि मैं 1 घंटे में प्रैक्टिस कर लूंगा। प्रैक्टिस इन द सेंस, क्योंकि रिविजन में तो हम वही चीजें करते हैं ना जो टेक्निकल, जो बहुत या तो इंपॉर्टेंट होता है या तो फिर जो उसके कॉर्नर केसेस होते हैं, करेक्ट? सेलेक्शन सॉर्ट का रिवीजन नहीं करते लोग, मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट का रिवीजन करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली लोगों को ज्यादा कठिन लगता है। मेरी मेर, अगर तुम तो मेरे से पूछो कि रिवीजन कैसे करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से रिवीजन के लिए तुमको मतलब तुमने क्या है उस रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हारे पास नोट्स कौन से हैं? सर की पूरी पढ़ाई कॉपी है, अभी तो मैंने कोई शॉर्ट नोट्स बनाया नहीं है क्योंकि मैंने शादी करा है 3 महीने से पहले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन के लिए जो तुमको चाहिए ना, वो तुमको एक बेसिक तुम्हारे नोट्स के ही नोट्स चाहिए, तुमको रिवीजन के हिसाब के नोट्स चाहिए, कि उसमें सिर्फ बेसिक बेसिक पॉइंट लिखे हो, उसमें पूरी कहानी नहीं होनी चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तुमको, अगर तुमको कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो कॉन्सेप्ट बार बार तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके जो क्वेश्चन है, जो उसके टेक्निकल क्वेश्चन है या कॉर्नर केसेस है, वो एक जगह तुमको लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है? तो वॉट यू कैन गो डू इज यू कैन गो थ्रू ऑल ऑफ दिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और ये चीज सुबह उठ के करना, ठीक है, वो एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, व्हाट वी यूज टू डू। और मैं जब व्हेन आई से वी, आई से गाइस फ्रॉम IIIT और इवन IIT खड़गपुर और समवेयर समवेयर समवेयर, व्हाट वी यूज टू डू इज कि खाली टाइम में ये काम करते थे हम लोग। खाली टाइम इन द एक्चुअली सेंस, अगर हम क्लास में बैठे हैं, अगर हमारी क्लास चल रही है, तो वी यूज टू गो थ्रू रिविजन। तुम कुछ टाइम के लिए चिल करते हो, वी यूज टू गो थ्रू रिविजन। अगर तुम कहीं टहलने जा रहे हो या कुछ ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वी यूज टू गो थ्रू रिविजन। तो उसमें जो तुम्हारा दिन अगर ये है, अगर तुम ये दिन की तुम्हारी टाइमलाइन है, तो तुमको थोड़ा 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 रिविजन के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। और उससे क्या होता है कि जो तुम्हारा एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट है ना, ये कम से कम 25 मिनट होना चाहिए, और ये टाइम डिक्लाइन होता है जैसे जैसे तुम रिवाइज करते जाओगे चीजों को। सिंपल सी बात है ना, अगर तुम एक ही चीज को 100 बार पढ़ोगे, तो पहली बार तुमको थोड़ी ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर तुमको कम टाइम लगेगा, फिर तुमको कम टाइम लगेगा। तो रिविजन इस तरीके से करना होगा। अभी से शॉर्ट नोट बनाऊं, शॉर्ट नोट अभी से बनाऊं।
अभी से क्या होता है, अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट, देखो होता क्या, अगर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया करेक्ट, तो तुमको उसके क्वेश्चन लगने चाहिए, एज सिंपल एज क्वेश्चन दैट। लगा लिया और मुझे हाँ प्रीवियस ईयर के कुछ लगा रखा है, पूरा नहीं लगा पर कुछ ईयर लगा रखा है। प्रीवियस क्या चीज, क्या क्या क्या, एक बार रिपीट कर देना प्लीज। ईयर के मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा रखा है और सर का नोट्स। यस सर, पहले तो सर प्रीवियस ईयर में पूरा मैंने अच्छे से नहीं कर पाया, पूरा इसी हाँ टॉपिक का छूट रखा है अभी। यार, इशू इशू पता है वो नहीं है कि तुम अच्छे से पहली बार में नहीं कर पाए या नहीं कर पाए। देख, इशू द ओनली थिंग दैट लाइज इज कि तुम आगे कितने अच्छे से उसको कवर अप करने की तैयार हो। तो जो क्वेश्चन नहीं बने और जब हम बना रहे हैं, तो दैट्स व्हाई आई से कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे अभी तुमने क्वेश्चन पूछा, दिस इज फॉर एवरीवन एल्स आल्सो, कि कभी भी पढ़ाई के टाइम ये नहीं होता है कि मैं पहले पूरा पढ़ लूंगा उसके बाद नोट्स बनाऊंगा। व्हाट व्हाट यू आस्क राइट, कि अभी से मैं नोट्स बनाना चालू कर दूं। जब तुम्हारे सब्जेक्ट चलते रहे, नोट्स साइड बाय साइड ही तैयार होते हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं देता है नोट्स को तैयार करने के लिए। नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, ये हमेशा याद रखना कि दीज टू थिंग्स शुड बी देयर। जैसे तुम्हारे सब्जेक्ट चल रहा है उसके साथ ये नोट्स होना चाहिए और ये उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने चाहिए, और कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लैक करते हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसको हम बुक में टिक कर सकते हैं करेक्ट, बट यस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है और ये रिविजन के लिए होती है। तो पहली चीज तो ये है कि जब कोर्स चलता रहे तो हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि वी कैन एंड ऑल द क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, लाइक जब सब्जेक्ट चल रहा है, और जब सब्जेक्ट चल रहा है उसी टाइम को हमको उसके नोट्स भी बनाना है करेक्ट। यस हाँ, अब उस पर ये तुमको नहीं सोचना है कि अब जो मेरे चार निकल गए मैं उनका क्या करूं। एक्स्ट्रा टाइम दो, कम सो 2-3 घंटे, तो तुमको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट यू नीड टू हैव नोट्स। और अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है, दिस इज कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज करेंटली रनिंग राइट, दैट इज व्हाट यू हैव ऑलरेडी मेंशन ना, यस यस कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज करेंटली रनिंग। सो इफ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर इज कंटिन्यूअसली रनिंग, आफ्टर एवरी क्लास, जैसे ही क्लास खत्म होती है, टेक 10 या 15 मिनट्स आउट ऑफ इट टू मेक नोट्स कि आज की क्लास में जस्ट क्या क्या था। तो क्लास वाइज तुम्हारे पास नोट्स होने चाहिए, वही तुम रिवाइज करते हो। अभी तुम क्या रिवाइज करते हो कि तुम पूरी कॉपी शुरू से उठा के आखिर तक रिवाइज करते हो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, ये भी देख लो। और वही वही अभी है मेरे साथ। एग्जैक्टली, सो जो नोट्स है ना, वो इज दैट इज लाइक मास्टर टेबल टाइप चीज है। अगर तुम डेटाबेस में भी जाओगे तो कैशे का नाम सुना है कभी? कैशे हाँ अभी पढ़ भी लिया अभी तो क्या पढ़ लिया ना, तो कैशे में क्या ये स्टोर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है तुमको वो भी इंपॉर्टेंट करके रखना है। जब कुछ नहीं बनेगा तो फिर हम जाके और चीजों से देखेंगे, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ ही नहीं रहा है तो फिर हम जाके कॉपी में रिफर करेंगे, अगर कॉपी से भी नहीं बनेगा तो कलीग से या जो स्टडी ग्रुप है हमारा उस पर रिफर करेंगे, अगर फिर भी नहीं हुआ तो सर से बोलेंगे कि सर डाउट क्लासेस लो या एक्स्ट्रा सेशन ले लो मेरा, या उनके पास इन पर्सन आके बोले। ओके ठीक है, दैट इज नाइस क्वेश्चन, बट ये चीज हमेशा करना। और ये जो चीज बताई ना मैंने, ये जो दिन की टाइमलाइन है और उसमें तुमको कैसे अपना रिविजन अकोमोडेट करना है, ये पूरा तुम्हारे ऊपर है, एंड यू हैव टू डू दिस, ओके क्योंकि ये इजियर पार्ट होगा नए क्वेश्चन से सॉल्व करना। ये मेरे देखे हुए क्वेश्चन है, बट फिर भी मैं एक बार पूरा फॉर्मूला पढ़ रहा हूँ, मास्टर्स फॉर्म याद कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरी पेपर होने वाली है एक आफ्टर 1 मंथ, तो उसके थोड़े भी पेपर सेमेस्टर की पेपर होने वाली है। यार देख, ये एक चीज है, ये एक चीज है जो कि ये सेमेस्टर पेपर ना, या फिफ्थ सेमेस्टर की पेपर होने वाली है। सेमेस्टर पेपर ठीक है, इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 6-7 महीने ले जाता है इतना। जैसे तूने मुझे अभी बोला कि भाई मैं अभी 1 महीने तक मेरे पेपर है नए, तो मैं उसकी तैयारी करूंगा करेक्ट। अब ये क्वेश्चन बाकी लोग से भी है, ऑल द अदर गाइस 29 पार्टिसिपेंट्स है, इफ यू ऑल ऑफ यू कैन अनम्यूट, आई वांट एन आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे को सच में बताने कि तुम कितने लोग 1 महीने तक इसकी तैयारी करते हो, पूरे 1 महीने कौन इसके लिए पढ़ता है? सर ऑनलाइन पेपर लास्ट वीक शुरू करते सर पढ़े पेपर की। एग्जैक्टली, और नहीं और कौन है, और मैं शंका से पास आउट हूं तो मेरे को पता है कितना टाइम लगता है। तो ठीक है, अगर तुम लोग ज्यादा पढ़ते होगे तो नहीं पता, बट कौन, अगर कोई है ऐसा पूरे 29 पार्टिसिपेंट्स में, मेरे को मिला के 29 और 28, यू गाइस आर 29 नाउ, 31 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, हाउ मेनी ऑफ यू स्टडी फॉर 1 month फॉर दिस यूनिवर्सिटी एग्जाम? कौन पढ़ता है भाई, एक एक पूरा महीना, इज देयर एनीवन जो 1 महीना पढ़ता है? नहीं, अगर पढ़ते हो तो बता सकते हो कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, देयर इज कुछ गलत नहीं उसमें, बट आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम एवरी वन हुम सो एवर आर देयर।
पंकज। हाँ एक्चुअली मेरा टाइम लग जाता है एक मंथ, क्योंकि मुझे थोड़ा मैं पूछ रहा हूँ तेरे से सवाल, मेरे को एकदम जेन्युइन से आंसर दे। इट्स लाइक टीचर स्टूडेंट का मत सोच, तेरे सीनियर से जैसे हॉस्टल में वैसे मेरे से बात कर, ठीक है? जैसे सच में लगता है कि तू एक महीना मतलब 30 दिन यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ता है? एक्चुअली पढ़ता 30 दिन नहीं हूँ, पर एक्चुअली क्या होता है ना, पेपर पर होते हैं, फिर से थोड़ा सा यू नो लग ही जाता है, मुझे लगता है मेरा 30 दिन अच्छे से लग जाते हैं। तो 30 दिन लग जाते हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल वगैरह भी जाके सबमिट करने होते हैं, तो उसका भी थोड़ा प्रैक्टिकल सबमिट करने होते हैं लिख के, करेक्ट? हां लिख के। तो भाई अगर मैं तेरे को 30 दिन में 5 घंटे दे दूं ये काम करने के लिए, 150 घंटे दे दूं, तू तो इसमें पढ़ नहीं सकता, प्रैक्टिकल नहीं सबमिट कर सकता? ये जो है ना, ये जो टाइम है 6-7 महीने, ये लोग बड़ा लीवरेज करते हैं कि हमारे तो एग्जाम यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहा है, एक महीने तक हम अभी यूनिवर्सिटी कोई नहीं पढ़ता एक महीने तक, किसको बेवकूफ बना रहा है? ना मैं बनूंगा ना तुम बनो, तुम खुद को बना रहे हो, अलग बात है। बट 6-7 महीने तक कोई नहीं, मतलब 6-7 महीने गेट के टाइम पे आप नहीं निकाल सकते, या एक, या कुछ लोग तो भाई 1.5 मंथ पहले से बोल देते कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम है दिसंबर में, तो भाई नवंबर मिड से हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम। यू कैन नॉट अफोर्ड दैट। दो चीजें, एक कि तुम इतना पढ़ते नहीं हो, ठीक है? सेकेंड थिंग इज तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, ये एक दूसरी चीज होती है कि आप नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है कि आप 1.5 महीने यूनिवर्सिटी एग्जाम दो। आइदर यू गाइस अनम्यूट योरसेल्फ और आई स्टार्ट कॉलिंग नेम्स, इट हैज टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन, तुम लोग को बोलना पड़ेगा। हेलो हेलो। हाँ सर्वेश। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब सर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे तब तक अकॉर्डिंग टू यू क्या क्या हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए? मीन सबसे पहले एक शॉर्ट नोट हो गया, दूसरा प्रीवियस ईयर्स हो गया, इसके अलावा क्या कंप्लीट होना चाहिए हमारा जब सर सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तक? ठीक है, जब सर सिलेबस कंप्लीट करेंगे ना, तो तुमको कम से कम हर सब्जेक्ट के 2 टेस्ट देने होंगे, और ये मैं फुल टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जो तुम मुझे बोला कि शॉर्ट नोट्स और क्या क्या था वर्ड, सॉरी प्रीवियस ईयर यार, ये तो प्री रिक्विजिट है, ये तो करोगे ही ना, प्रीवियस ईयर तो होना ही चाहिए, ये बहुत प्री रिक्विजिट है, और मोस्टली सर के कंपोनेंट में तो प्रीवियस ईयर कवर हो ही जाता है। यस करेक्ट। तो तुम अपने साइड से क्या एफर्ट डालो, तो जो शीट होगी दैट शीट, और इफ पॉसिबल अगर टेस्ट सीरीज है या प्रीवियस ईयर के या जो भी, तो हमको सिंपल है मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाना जो आते हैं। और दूसरा जो तुम क्वेश्चन पूछे ना कि मतलब ये क्या होना चाहिए, कि अपनी तरफ से नोट्स होने चाहिए या क्या, एक और क्या था हमारा वर्ड, नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स और नोट्स, या तो ये शॉर्ट नोट्स था, मैंने जब बोला था कि तुमको हर जब सर पढ़ाते रहते हैं तो तुमको उसके अकॉर्डिंगली साथ में बनाना है, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम अकेले बनाओगे, समझ रहे? I don't know कि अभी तक स्ट्रेस आया इस बात पे कि नहीं आया कि गेट की पढ़ाई हमेशा ग्रुप्स में होती है, ऑलवेज। तो उसको तुम वो वैसे सब्जेक्ट वाइज बनवा लो ना, या मतलब तुम टॉपिक वाइज बनवा लो कि भाई मैं क्या बोलते हैं, अगर मैं सी एस ए का पहले का मैं बना लेता हूँ, एसोसिएटिव मेमोरी का मैं बना लेता हूँ, डायरेक्ट मैपिंग तुम बना लो, ओके? ठीक है, तो पूरा लोड मत ले। ये जो पॉइंट है ना, ये काफी अच्छा है कि जो पूरा मेरे को क्या क्या होना चाहिए, तो प्रीवियस ईयर प्लस शीट प्लस 2 टेस्ट ये होना चाहिए। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं होना चाहिए, एक होता है कि यू आर डूइंग समथिंग, एक होता है हाउ एफिशिएंटली यू आर डूइंग समथिंग। तो मेरे हिसाब से दैट शुड बी 70-80% मेरे से क्वेश्चन बनने चाहिए, 20% मेरे से नहीं बने, ठीक है? तो मैं उस पर सुधार कर रहा हूं। अगर तुम 70-80% बोल रखोगे तो तुम्हारा 60-70% होगा, या हो सके तुम 80-85 भी क्रॉस कर जाओ अगर इफ यू आर गुड एट, बट दीज थिंग्स आर प्रीरिक्विजिट। Anyone else has something to ask? Hello sir. Who is it? भाई नाम बता दे अगर पहले। चत्रोला मीत। Okay.
सर आई एम इन फर्स्ट ईयर, मेरा टारगेट 2023 है यानी कि थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में मैं ज्यादा नहीं लेकिन थर्ड ईयर मेरा मेन टारगेट है, तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए? बेसिक्स ब्रो, तो वो कंप्लीट जिसके साथ करना है जो जैसा प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही प्रिपेयर करना है, कोई उस पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उस पे कोई ऐसा कुछ नहीं है कि फोर्थ ईयर वाले ऐसा प्रिपेयर करेंगे, थर्ड ईयर वाले ऐसा प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले ऐसा करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले ऐसा करेंगे। तुमको कंप्लीट किसके साथ करना है? इन लोगों के साथ करना है। मैं कंप्लीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मान लो फोर्थ ईयर में एकदम डेट के प्रिपेयर कर रहा है उसका नहीं गया गेट अच्छा, तो वो तुम्हारे साथ आके बैठेगा, या जो थर्ड ईयर वाला है वो भी तुम्हारे साथ आके बैठेगा। तो ये तो सोचना ही नहीं कि मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ, मैं इसमें हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँ। सेम जो क्लास में चल रहा है वो मेरे को आना चाहिए, उतने कॉन्सेप्ट मेरे को क्लियर होने चाहिए, उसके मेरे पास नोट्स होने चाहिए, और मैं टेस्ट सीरीज मतलब जो क्लास में कंप्लीट हो गया मेरे को उसके क्वेश्चन बनने चाहिए। नहीं बन रहे तो क्या क्या सोल्यूशन है कि भाई मैंने अभी तक सी, बाकी जो मेरे बड़े लोग होते हैं उन्होंने सी पढ़ रखा था इसलिए आपका सी उनको आसानी से समझ में आ गया, तो वो जाके कन्वे करो कि सर मेरे को यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे लिए जो है कि तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं फर्स्ट ईयर में हूं तो मैं कैसे करूँ, जैसे सब कर रहे हैं वैसे तुम भी करोगे, कोई डिफरेंस नहीं, तुम कुछ अलग नहीं। और ये मत सोचना कि मेरे पास ज्यादा टाइम है वो है नहीं, तुम ज्यादा पढ़ो ना, तुम्हारे पास एडवांटेज है कि तुम्हारे पास 3 साल है, जहाँ पे लोगों के पास 1 या 1.5 साल है तुम्हारे पास 3 साल है। Got it? और सर बुक्स कितने, बुक्स में से ज्यादा पढ़ना चाहिए या एक एक का एक रिवीजन करना चाहिए? एक बार फिर से रिपीट करना क्वेश्चन। हमारे पास टाइम हो अभी तो बुक्स के पास जाना चाहिए या सर ने जो पढ़ाया उसे रिपीट कर? यार बुक्स के बुक्स तो पढ़नी है, ये बहुत वो क्वेश्चन है यार। मैंने बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को गेट में एकदम अच्छा करते या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अच्छा करते हैं देखा, जिन्होंने कभी बुक्स ज्यादा रिफर की नहीं, ठीक है, वो सिर्फ स्टडी मटेरियल या सर के मटेरियल से ही पढ़ के गए और उनका बढ़िया सही आया। बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक्स रिफर करते हैं, तो वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुमको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए या थोड़ा बहुत इधर उधर करना है, तुम्हारे पास थोड़ा सा एम्पल ऑफ टाइम है तो बुक्स करो और सर पे नोट्स करो। बेसिकली दे गो इन हैंड इन हैंड। व्हाट वी वांट इज कि हम लोग को ये चाहिए कि इससे जो नॉलेज है, what is there in the knowledge part, ये हमको पूरा होना चाहिए। हमारा टेक्निकल कैपेबिलिटी शुड बी अप देयर। वो बुक से आ रहा है, स्टडी से आ रहा है, वो ऑनलाइन मटेरियल से आ रहा है, वो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से आ रहा है, दैट इज एक वो हर एक पर्सन के ऊपर है, दैट इज अ सब्जेक्टिव आंसर। वो ऐसा नहीं है कि मैम कहती हूँ नहीं बुक पढ़नी तुमको, नहीं स्टडी मटेरियल पढ़ना ही पड़ना है। अगर किसी को स्टडी मटेरियल से क्लियर है चीजें तो ठीक है, नॉलेज कंटेंट जो तुम्हारा नॉलेज कॉम्प्रिहेंसिव जो नॉलेज होना चाहिए, जो कंटेंट है that should be up to the level ki tum questions crack kar sako, uske baad kaisa hai kya hai that is on you how to take it. Yeah Vijay ji sir, Vijay Patel bol raha hu sir, hum MCA distance learning se padhe hain to sir बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम बिल्कुल पढ़े ही नहीं हैं, एकदम बेसिक से भी नहीं है, जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं जो हम देखे भी तक नहीं थे। और सर अब गेट की तैयारी कर रहे हैं सिद्धार्थ सर से, तो उस सब्जेक्ट में जब गहराई में जा रहे हैं तो बहुत मतलब दिक्कत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो क्या करें सर? किताब जी सर, कौन से सब्जेक्ट है? जी सर MCA कंप्यूटर साइंस है। नहीं नहीं नहीं, नॉट MCA कंप्यूटर साइंस, मैं कह रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट जो तुमने बोला कि मेरे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने कभी सुने भी नहीं है, बट वो गेट की जैसे सर कंपाइलर डिजाइन है, डिजिटल लॉजिक है, और सर कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है, ये सब सर एल्गोरिथम है, ये सब बिल्कुल हम नहीं पढ़े हैं। और सी वगैरह डाटा स्ट्रक्चर ये सब पढ़े हैं हल्का फुल्का कॉलेज में, और सर डिस्टेंस एजुकेशन है तो सर वहाँ पे बस वही है, क्लास भी नहीं अटेंड होता है। ठीक है यार, क्लियर हो गया। देख मैं तेरे को एक चीज क्लियर कर रहा हूँ कि अगर क्लियर करना है तो ये सब आना चाहिए। जी सर ठीक है, तो ये वाला तो चीज हम बोल ही नहीं सकते कि मैंने नहीं पढ़ा या पढ़ा है, कैसे पढ़ना है उस पर डिस्कस करेंगे। जी सर ठीक है, अब कैसे क्या क्या करना है वो डिस्कस करना अपन को, नहीं हुआ वो सब क्लियर। सर हम ये पूछना चाह रहे हैं तो सिर्फ सिद्धार्थ सर के पढ़ाने से या फिर हम फंडामेंटल बुक वगैरह लेकर तैयारी करें कि सिर्फ सर जो सिद्धार्थ सर पढ़ा रहे हैं उसको पढ़कर हम कंपटीशन फाइट कर सकते हैं? पहले सिंपल सिद्धार्थ सर जो पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ ले, तेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, तो चीज है कि इसमें तो सर ने क्या क्या पढ़ा दिए तुमको,
क्या सर? मतलब जो सब्जेक्ट्स है ना, कंपाइलर डिजाइन, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर नेटवर्क, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, इसमें से सर ने तुमको क्या क्या पढ़ा दिया? व्हाट हैज बीन कवर्ड? अभी सर कोई भी नहीं, इसमें से कोई भी नहीं अभी पढ़े हैं अभी सर, सी और सिर्फ कंप्यूटर आर्किटेक्चर चल रहा है जी सर। ये तुमको आया समझ में? जी सर, जी सर। ये आया तुमको? इन दोनों सब्जेक्ट में से पहले तुम कुछ पढ़ के आए थे? Whether you had any prior? जी जी सर, जी सर, इसमें पढ़े थे, कई बार पढ़े थे जी सी, कई बार पढ़े थे। हां, सो यू डिडंट हैव द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, करेक्ट, प्रायर कमिंग टू सर के पास? उससे पहले तुमको नहीं आता था? सी आता था, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा नहीं पढ़े थे, थोड़ा पढ़े थे, तो अभी तो कुछ आ रहा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा, लेकिन सी में नहीं दिक्कत हो रहा। तो मैं यही बोल रहा हूं ब्रो कि जब तुझे नहीं, तूने नहीं पढ़ा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन भी, करेक्ट? जी जी। उसके बाद भी तुझे, अब तू बोल रहा है ना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तो ये जो जी जी सर है ना, ये बाकी चीजें भी जब सर पढ़ा देंगे तो तुझे समझ में आ जाएंगी। तो तू डर रहा है बहुत ज्यादा कि नहीं मैं कैसे कर पाऊंगा, कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो चीज बात की है। जी जी सर। तो ऐसी चीजों के लिए डर रहा है जो तूने कभी पढ़ी ही नहीं, तो कह रहा है कि यार मैंने कभी आईटी क्लियर नहीं किया तो मेरे को डर लग रहा है। जी नहीं भाई, पहले पढ़, सर का मटेरियल ही पढ़, कोई बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं, पहले एट द वेरी स्टार्ट सिर्फ सर का मटेरियल से पढ़ जो जो है, ये पूरा क्लियर कर। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हाउ द डाउट क्लासेस विल गो, और हाउ मतलब आगे कैसे सब्सिक्वेंटली हाउ विल टेक फॉरवर्ड, वो चीज देखें। पहले बेसिक तो सारे कर ले अपन। जी सर। और सर किताब पढ़ने के लिए टाइम भी तो नहीं सर, फाइनल ईयर है और इतने सारे बुक है, इतने एक साल नहीं है टाइम, तो तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। हाँ नहीं है टाइम, इसलिए तो बोल ना सर का मटेरियल पढ़। जी जी सर। अगर 15 साल में किसी ने ये जॉट डाउन करके तेरे लिए मटेरियल बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा ना। जी हाँ, मैंने बहुत सारे लोग है भाई सिर्फ स्टडी मटेरियल से निकले, ऐसा कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं था उनको कि ये करना ही है। जी सर, थैंक यू सर। Who is next? Hi, hello sir. Hi Sonu. Bro, तो unmute करते हैं बार-बार। Yes sir, मैं पूछना चाह रहा था ना कि हाँ, कि हम सिर्फ the previous year का question बनाएंगे और package अभी solve नहीं करेंगे तब ठीक है या नहीं है? क्या? मैं पूछ रहा था सर कि जैसे अभी टाइम नहीं हुआ, सिर्फ मतलब हम previous year का question लगाएंगे, package अभी solve नहीं करेंगे तो ये ठीक है या नहीं है? उससे गेट क्लियर हो सकता है या नहीं होता? यार मेरे को ये बता कि पैकेज है ये, मतलब जो सर ने दिया है, करेक्ट? दिस इज व्हाट पैकेज इज ना। हेलो। यस सर। अभी माइक चालू रखा अपना, डोंट म्यूट इट। मैं बोल रहा हूँ पैकेज से तुम क्या रखा था? पैकेज से कुछ क्वेश्चन बनाए हैं सर। नहीं, पैकेज मतलब क्या, जो सर का मटेरियल है, करेक्ट, जो बुक्स है, दैट इज व्हाट यू आर, उसको ही पैकेज बोल रहे हैं ना। आई डोंट वांट अ कंफ्यूजन हियर बिफोर आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई वांट टू क्लेरिफाई एवरीथिंग एंड टू एंड। यही पैकेज है ना? यस, बुकलेट्स ठीक है। और ये क्या है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यस सर। उसके बाद पैकेज पे करना चाह रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही ऑर्डर है। बट एक एक क्वेश्चन मेरे मन में ये है कि ये करने से पहले डिड यू आस्क एनीवन कि मेरे को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? Like, did you ring up sir से बात करी कि सर मेरे को ये दिक्कत है? Did you do that? इसमें मतलब कुछ टॉपिक आते हैं जो मतलब उसको क्लियर करते हुए मतलब हम करते जाते हैं, ऐसे प्रीवियस ईयर डायरेक्ट तो नहीं होगा, उस पर दो तीन चैप्टर से लिंक होता है क्वेश्चन, बट क्लियर करते करते फिर उसके बाद मतलब लास्ट में पैकेज हम अगर रिफर करेंगे तो ये प्रिफरेंस ठीक है या नहीं है? ठीक है यार, प्रिफरेंस मतलब प्रेफरेंस इन द सेंस मेरे हिसाब से तो ये सारे होने चाहिए, बट अगर सिर्फ टाइम नहीं है और नहीं है अगर हमारे पास समय, तो दिस इज द बेस्ट रूट टू गो। यहाँ पे जा सकते हैं, प्रीवियस ईयर जो आते हैं हम वो लगाएंगे, और अगर उसके बाद समय बचता है तो वी विल गो टू ईयर। क्योंकि सर मतलब प्रीवियस ईयर करने से पैटर्न पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है या किस लेवल तक मेहनत करना है, उसके बाद मतलब जिस टॉपिक में वीक लगे हो उसी रिफर करेंगे पैकेज। फेयर इनफ, बट ये तुम्हें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं हो सकता। मैं ये रिपीट रीआइटरेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी लोग जो है ना, फिर वो भी यही नहीं सोचें कि हाँ हम
पहले प्रीवियस ईयर पूरे लगाएंगे जिसमें वो होगा उसमें ही हम रिफर करेंगे टारगेट, तो इट शुड नॉट बी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। मैं तेरे लिए ये सजेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज तेरे पास टाइम क्वांटम जो है वो बहुत छोटा है, यू डोंट हैव इनफ टाइम फॉर नाउ, गॉट इट? सर लॉन्ग टाइम है तो अब क्या करना चाहिए भाई? लॉन्ग टाइम है तो तुझे करना ही चाहिए ऑब्वियसली, फिर तो जो लॉन्ग टाइम है तो देखो हमारा काम क्या, हमारा एब्सोल्युटली श्योर होना काम है कि कोई क्वेश्चन कहीं से भी आए मैं बना दूं, करेक्ट? बट मिनिमम टाइम में गेट में क्या है लॉन्ग टर्म गोल कि जो क्वेश्चन आए मैं लगा दूं उसको, अब वो चाहे पैकेज सॉल्व करने से बने, चाहे प्रीवियस ईयर से बने, चाहे कहीं से बने। तो करना क्या चाहता है आदमी, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहता है ना, तो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, दैट इज व्हाट वी आर स्ट्राइविंग। गुड ट्रैक कौन सा बेहतर रहेगा? सॉरी क्या चीज बेहतर रहेगी भाई? कह रहे मतलब कौन सा ट्रैक बेहतर रहेगा, पहले प्रीवियस ईयर करें या तो पैकेज, मतलब प्रीवियस करने के बाद पैकेज करें या पैकेज के बाद प्रीवियस ईयर करना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से ये चीज सीक्वेंशियल कि पहले प्रीवियस ईयर आता है फिर पैकेज आता है, करेक्ट? यस सर। मेरे हिसाब से ये चीज पैरेलल है कि अगर ये एक प्रोसेस है मेरे हिसाब से कि अगर मेरे को प्रीवियस ईयर करना है ना तो मेरे को पैकेज बहुत बार बीच बीच में जाके रिफर करना ही पड़ेगा, उसके बिना मैं नहीं कर पाऊंगा। पैकेज कोई एंटिटी थोड़ी अपने में कि ये इसमें बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, इसमें बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव थोड़ी है भाई, ये अलग अलग नहीं आते, ये साथ में आते हैं कि अगर यहां तक पहुंचना है तो यू हैव टू डू सर का नोट्स, क्लास की पढ़ाई, पैकेज, तो तुमको ब्रांच आउट करना पड़ेगा। तुम वैसा सोच रहे हो कि नहीं वो एकदम अलग चीज है, वो एकदम अलग चीज है, हाँ अगर तुम उस हिसाब से पढ़ना चाह रहे हो ठीक है, बट तुम खुद भी करके अगर देख रहे हो तो प्रीवियस ईयर के लिए तुमको तो सारा कुछ रिफर करना पड़ ही रहा होगा ना, ये नहीं है सॉर्टिंग, ये ऐसी चीजें चलती है कि मैं गोल मेरा प्रीवियस ईयर फिर गेट, यहां से जो भी रिफर करना पड़े जिस भी ऑर्डर में मैं करूंगा कुछ भी। सर तो मुझे एक डाउट था कि जब अपन प्रीवियस ईयर करते हैं ठीक है या फिर कोई भी क्वेश्चंस करते तो 70-80% क्वेश्चन बन रहे, पर हम क्या कर रहे हैं कि अभी रफ में ही सॉल्व कर रहे क्वेश्चन, तो आप जब गेट की प्रिपरेशन करते थे तब जो प्रीवियस ईयर बनाते थे वो कैसे बनाते थे, मतलब रफ में ही बनाते थे? एक चीज मेरे को वो है व्हेन यू से रफ में सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन में रफ में रफ? मतलब सर अपन रफ नोटबुक लेते हैं वहां पर ऑप्शन टिक कर देते हैं और छोड़ देते हैं वहां पर, और जो सिर्फ उसमें कुछ अगर कॉन्सेप्ट फिट कर दिया अपन को, जैसा फॉर्मूला हो गया या फिर वहां पे छोटी हिंट हो गई तो वो अपन वो बुकलेट पे लिख देते प्रीवियस ईयर वाले ऐसे, या फिर नोटबुक से मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रॉपरली क्वेश्चन और उसका आंसर। नहीं 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 वो टाइम पर बात करने की जरूरत नहीं कि मैं नोटबुक में प्रॉपर क्वेश्चन लिखूं पूरा बैठ के फिर उसका आंसर लिखूं, नहीं तो उनको तो अपन को रिवाइज ही करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्ट अपन को सपोज वीक है अपन उन कॉन्सेप्ट को, तो वो क्वेश्चन आ गया था तो जब अपन फिर से एक बार सेकंड या थर्ड टाइम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाते तब भी वो कभी कभी नहीं बन जाते, उसके लिए तो अपन को कहीं ना कहीं उसका रेफरेंस लिखना ही पड़ेगा ना। देख भाई अभी तो क्या बोल रहा है, तेरे जो क्वेश्चंस मेन मेरा तेरा जो मेन क्वेश्चन मुझे समझ में आया वो है कि मेरे से जो 20% क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं उनका मैं कैसे वो रखूं, डेटाबेस कैसे मेंटेन करूं बेसिकली, हां 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 है ना, उनका रेफरेंस कहां पर रखूं मैं, उनका रेफरेंस मैं कैसे रखूं? तो 20% का अगर तेरे पास सलूशन है तो तू मुझे क्या करना है कि ये एक सिंपल सा ये एक नोटबुक है उसमें वो क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन में तुझे वो भी नहीं चाहिए पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत भी नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पड़ा था मतलब समथिंग 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 उसका लोकेशन सिर्फ लिख दे क्वेश्चन की, ठीक है? और उसके बाद तूने ऑब्वियसली तूने आंसर तो ढूंढ लिया होगा बट वो आंसर तुझे पहली बार में क्लिक नहीं किया, तो उसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दे कि ये क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट ओके ठीक है कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा था और मेरे दिमाग में क्यों नहीं क्लिक किया, ओके ठीक, ये एक चीज है। दूसरी चीज जो मैं तेरे को फिर से पॉइंट आउट करूंगा क्योंकि मैंने ये वाला डायग्राम इसलिए बनाया क्योंकि बहुत बार क्या होता पता है क्योंकि हमने कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर जस्ट अभी अभी पढ़ा है, करेक्ट? तो इस 70% में से 20% जो क्वेश्चन है ना मेरे से वो इसलिए बनता है क्योंकि मैं तुरंत बना रहा हूँ। सॉरी सर, जो 70-80% तुम बोल रहे हो ना कि मेरे से पहली बार में बन गया, हाँ हाँ हाँ, उसमें से 20% कम से कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तुमसे पहली बार में इसलिए बन जाते हैं क्योंकि तुमने जस्ट अभी अभी पढ़ा है।
हाँ राइट राइट एग्जैक्टली करेक्ट हाँ करेक्ट और उसके बाद बहुत उसमें भी ऐसा होता है कि अगर मैं तेरे को फिर एक महीने बाद बोलूं कि भाई ये 70-80% तुमको लग गया था ये तुम्हारा तुम अगर मान लो कि नहीं ये मेरे पूरे पक्के हो गए तो नहीं हुआ हाँ वही सर वही डाउट है सर मेरा एग्जैक्टली कि जब अपन सेकंड या थर्ड टाइम लगे कि हाँ यहाँ पे मैंने ये कॉन्सेप्ट लगा लिया और ये सही था तो ये 20% भी यहाँ पे ऐड होना चाहिए हाँ ये तो 60% जो कि मेरे से पहले हैंड में लग गया और जब मेरे को इन दूर आगे लगाओगे तो मेरा लग जाएगा बट बाकी 10% मान लेते हैं इसको तो 10-20 जो मेरे से लगे नहीं और ये लग गए बट मैं एकदम श्योर नहीं हूँ ये सब यहाँ पे होना चाहिए अपनी क्लास की नोटबुक में क्लास की नोटबुक वो तेरे ऊपर है देखो कैसे मेंटेन करना है क्लास की नोटबुक मेंटेन करना है गूगल डॉक मेंटेन करना है दोस्तों के साथ मेंटेन करना है मतलब कि मैं इस टॉपिक का बना रहा हूं इस टॉपिक का बना फिर उसको फोटोकॉपी करके शेयर करना है मेरे हिसाब से तो नॉर्मली मेरे हिसाब से सबसे अच्छा रखने का वही तरीका होता है मैं तो वही रिफर करूंगा तुमको कि भाई एक आदमी इसका बनाए एक आदमी इसका बनाए एक आदमी इसका बनाए और हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो मेरा भी टाइम बचता उसका भी टाइम बचता ओके सर क्लियर हो गया किसी का ये क्वेश्चन है कि हमको कोडिंग कब से शुरू करनी चाहिए या हमको कोडिंग पे क्या क्या पढ़ना चाहिए अभी ना संजय यस सर यू हैव दिस क्वेश्चन यू पीपल आल्सो हैव दिस क्वेश्चन द सेम क्वेश्चन बट कैन यू एलैबोरेट मेरे को थोड़ा सा इंट्यूटिव मतलब ये एक क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में फ्रेम करके बता सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय कोडिंग जो मैंने बोर्ड पे लिखा ये सारा कुछ कि तुम्हारा कुछ और भी एक है कि कोडिंग क्या करना है सर यस सर मतलब गेट के एग्जाम के साथ कोडिंग में एक फोकस कैसे करें करके मतलब तुम्हारे हिसाब से या तो वो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ गेट ही कर रहा हूं या कर रहे हो और उसके साथ कोडिंग क्यों कैसे करना है करेक्ट यस सर कोडिंग फील्ड है ना तो फिर सर उसमें इंटरेस्ट है तो और भी मतलब टाइम निकाल के कैसे कोडिंग करें ठीक है टाइम निकाल के कोडिंग कैसे करना यार तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसके लिए तो एक ही चीज है कि तुमको टाइम टेबल बनाना है ठीक है और एक और चीज है जो कि मैं फिर से वापस आऊंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए एक महीने नहीं लेने हैं और ये काफी कुछ अब एक नेसेसिटी भी है मतलब आपकी गेट के साथ तुमको थोड़ा सा कोडिंग आनी चाहिए तो टाइम निकालने की जो बात है ना संजय व्हाट वी यूज्ड टू डू इज कि हम लोग के टाइम पे भी ये इशू था तो वेरी बहुत जो नाइव सा थॉट है या जो हमेशा व्हाट यू गेट इज कि हाउ डू वी मतलब ये करें कैसे तो वी टेक वी व्हाट वी वांट टू डू एज अ ह्यूमन इज वी वांट टू प्रेसिडेंट रखना चाहते हैं तो हम सोचे कि नहीं पहले गेट करेंगे गेट अगर हो गया उसके बाद कोडिंग जाके सीख लेंगे करेक्ट बट यार गेट में भी तुम कोडिंग कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि तुम गेट में करते करते तुम कोडिंग नहीं कर सकते जब तुमको क्विक पढ़ाया जाता है जब तुमको मर्ज पढ़ाया जाता है या तुमको जब सेलेक्शन पढ़ाया जाता है या तुमको जब स्टैक पढ़ाया जाता है और तुमको क्यू पढ़ाया जाता है करेक्ट यस सर मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने बाकी किसी भी रेफर किया है कि नहीं किया है मतलब बाकी मटेरियल्स आई गेट के अलावा तुमने रेफर किए कि नहीं बट मैंने कहीं पे ये नहीं देखा कि कहीं पे इन डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे को क्यू का बताया गया मेरे को जहां तक याद है जब हम पढ़ते थे तो सारा पूरा क्यू का डिटेल्ड एनालिसिस बताते हो ना कि क्यू कैसे काम कैसे करता है कोडिंग साइड सी पे लगा के करेक्ट तो सी पे अगर तुमको ये मिल रहा है और तुम्हारी लैंग्वेज मान लो सी या सी प्लस प्लस या जावा है तो क्या तुम ये नहीं कर सकते कि जब तुमको यहाँ पे पढ़ाया गया हो तो तुम सेम चीज जाके इम्प्लीमेंट करके देखो करते हो यस कर सकती हूँ करेक्ट और अगर तुम ये करोगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड ना बीएफएस जेएफएस कवर होता है गेट में ब्रेथ फर्स्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च करेक्ट यस सर हाँ यार यही कोडिंग है और कुछ कोडिंग ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कोडिंग ऐसा नहीं उठ के आती है एक क्वेश्चन होता है
जिसमें हमको BFS, DFS, stack, queue, various data structures या sorting के जो algorithms हैं, वो सब use कर करके हमको question solve करना होता है। हाँ, वो थोड़ी सी practice लगती है, but इसका मतलब ये नहीं कि तुम gate के साथ coding नहीं कर सकते। Gate में जो भी topic cover हो रहा है, अगर तुमको सही में coding करनी है, उस चीज को जाके जो भी तुम्हारी language है, C++, Java, आप तो लोग Python में भी करते हैं, Python में जाके उस चीज को implement करो, तो तुमको gate में भी मदद मिलेगी और तुमको coding में मिलेगी। यस सर, मतलब ओवरऑल कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग करना था। यार तुम अगर ये लगाओगे ना, अगर तुम टाइम से ये लगा रहे हो, तो तुम्हारा ओवरऑल कोडिंग पार्ट स्ट्रॉन्ग हो ही जाएगा, उसमें कुछ वो नहीं है। मेरे को सबसे बड़ा इशू पता है यहाँ पे क्या है, कि हम लोग को जैसे सिखाया जाता है बचपन से कि हर चीज सीक्वेंशियल, ये होगा उसके बाद ही ये काम करना, तुम साथ में ये नहीं कर सकते, हर चीज पैरेलल होती है। गेट करने के बाद ये चीज सीखने से अच्छा है कि गेट करने के पहले सीख लो। गेट करने के बाद किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ और फिर जब वहां पता चलता है ना कि भाई एक साथ 50 काम आते हैं, बट हम लोग तो आदत ही नहीं है, हम तो सीक्वेंशियल सोचते हैं, हम सोचते हैं गेट होगा तो कोडिंग नहीं होगी, बट अगर मैंने दो क्वेश्चन कोडिंग के लगा लिए या मेरा यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ गया, तो भाई मेरा गेट नहीं निकल सकता, कोई ताकत मेरा गेट नहीं निकल सकता, ऐसा कुछ नहीं होता, तो फालतू की बात है। या हम लोग सोच में है दिक्कत कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक महीने इसके लिए देने हैं, कहीं एक महीने की जरूरत नहीं होती, 15 दिन मैक्स होता है यूनिवर्सिटी को देने के लिए, और वो भी मैं तो एकदम सही के नंबर आ जाए, और तुमको यूनिवर्सिटी में टॉप करके करना क्या है? मैं तो सीधी साफ बात बोलूं ना, यूनिवर्सिटी में टॉप करके करना क्या है? कोई नहीं पूछता यूनिवर्सिटी के नंबर, सिर्फ इतना रखो कि 7 प्लस रहे सीजी, तो कंपनियां तुमको रोके नहीं बैठेंगे। अगर तुम्हारा 7 प्लस है सीजी, तो तुम्हारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा, उसके बाद तुम इंटरव्यू में क्या करते हो कैसे करते हो वो होगा। हाँ, पर गेट का नंबर अगर तुम्हारा अंडर 100 है या अंडर 500 है, तो इसका फायदा है, इसका कोई फायदा नहीं है कभी, आज तक मैंने कहीं इसका फायदा नहीं देखा किसी एग्जाम में। और कोई अगर मेरे को कोई बता दे किसी एमएनसी में जहां पे यूनिवर्सिटी के नंबर देख के दी जाते, तो मैं बता, कोई बता दे। ओके सर, थैंक यू सर। ये पैरेलल चीज है, तो अगर जो गेट में जो भी डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम कवर हो रहा है, उन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम को ट्राई टू इंप्लीमेंट, दैट्स इट। ओके सर, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हु इज द नेक्स्ट वन आस्किंग फॉर दिस क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन? हेलो, हाय, सॉरी योर नेम इज नॉट देयर, कैन यू टेल मी योर नेम? योर नेम इज सजेस्टिंग गेस्ट यूजर, सो सर आर्या, माय नेम इज आर्या गुप्ता। सो मैंने जस्ट जॉइन किया है एंड मैं फाइनल ईयर बीटेक में हूँ, बट मैंने इंजीनियरिंग अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में की है एंड आई एम प्लानिंग टू गिव गेट फॉर कंप्यूटर साइंस। सो मुझे पूछना था कि मैं क्या करूं, मतलब हाउ डू आई प्रिपेयर, बिकॉज़ व्हेन आर यू गिविंग इट? 2022 करेक्ट तुम्हारा? हां 2022 करेक्ट। हां गुड, 300 करेक्ट या अंडर 300 और 300 समथिंग, तुम्हारे जैसा सेम केस था हर्ष का। अच्छा, तो क्या करूं, इट्स नॉट तुम्हारे लिए, इनफैक्ट जो तुमको आसान पड़ेगा डिजिटल लॉजिक तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स। यस सर, सी सी प्लस प्लस तुम लोग पढ़ते ही हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, जितना मुझे पता है। हाँ सर, लेकिन उतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब मेरा सी का। ठीक है, तुम्हारे पास अभी 1.5 साल है ना करने को। हाँ। 1 साल नहीं करने को तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। हाँ। तो बेसिकली यू आर एट द सेम, जो भी थर्ड ईयर में जो लोग ट्राई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, जो थर्ड ईयर से पढ़ना चालू कर रहे हैं, तो मुझे एक साथ ही पढ़ना चालू करे, तुम्हारे पास भी 1 साल है, उनके पास भी 1 साल है करने को, उसमें डरने की क्या बात है, कि मेरे को पहले से कुछ नहीं आता टाइप्स। हाँ, exactly. ठीक है, कि मतलब कोई तो बाकी लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं ना कंप्यूटर साइंस से, यहाँ से पढ़ के, उनसे भी पूछ लो कि उनको कितना आता है। तुमको जो सोचने की बात है कि तुमको सबसे 1 या 1.5 घंटे डेली ज्यादा इन्वेस्ट करने, दैट्स इट। सर मैं डिस्टेंस से हूँ, मैं भी उतना ही, सिर्फ सब्जेक्ट का कोई भी नॉलेज नहीं है। ये मैं किसी को टारगेट करके मैं ही बोल रहा हूँ, आई डोंट वांट टू कि मैं किसी यूनिवर्सिटी या किसी प्रोग्राम को, आई डोंट वांट एनी क्रिटिक, राइट, बट द पॉइंट इज कि तुमको उन लोगों से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो तुमको 1 से 1.5 घंटे ज्यादा देने पड़ेंगे, दैट्स इट। इफ यू आर एबल टू गिव दिस, यू आर स्टैंडिंग विद दिस गाइस सेम, जो जितना उनको आता है उतना तुमको। ओके सर, कूल, ओके सर, थैंक यू सो मच। समवन एल्स इज देयर आस्किंग फॉर क्वेश्चन? Hello, sir. Hi. This is. Hello. Hello, sir. Can you hear me?
Yeah, I can hear you. Ayantika, correct? Yes, sir. Okay, yeah. So where are you from? I am from Calcutta. Cool. So what's your question? Sir, my question is how to proceed for making notes. मतलब कि सर की क्लास का जो नोट्स है कैसे बनाने? Cool. How to? This is like really intriguing question. I have never encountered this question. Thank you for dropping this on me. But what I think is for me notes is basically for me the notes is what I have understood in this class. Correct. So if a topic is going on from end to end, like from X to Z or from A to Z, if something is going on, what I'll do is I'll write the notes in my words. That is what notes for me. What notes does for you is when you go over through it again and again, when you see your language, तुमको ज़्यादा समझ में आता. Correct. And then absolutely necessary thing is कि make notes in points. Please don't write big sentences in this thing. Cool. And also what I think is ki you have sir ka this thing na, booklets and packages. Do you have it? Like, have you seen it also? Sorry? I just joined. Okay, you just joined. So when you have it na, what you can do is you can tick also. Maa pe underline kar lena. Agar zarurat se matlab aalsi ho to. Jo bhi padhate hai na, wo to hamare paas PDF ke form mein aata hai. Haan. जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैं अपने लैंग्वेज में लिख लूँ कॉपी में, यही नोट्स है। नो नो नो, नॉट इन द कॉपी, नॉट इन द कॉपी ब्रो, इवन इन द पीडीएफ यू कैन हाईलाइट। यस, ठीक है। व्हाट आई वांट टू एकदम स्ट्रेस इज कि कॉन्सेप्ट लिखे जाते हैं, जो कॉपी में लिखा जाता है ना वो कॉन्सेप्ट लिखा जाता है। सर की क्लास नहीं लिखनी है कि जैसे अगर कोई कॉन्सेप्ट है कि जैसे कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर तुमने अभी पढ़ा है शायद, तो उसमें एक क्वेश्चन है, मेरे को याद है गेट में, मेरे को पता नहीं कितने साल हो गए, कि उसमें क्वेश्चन है कि जैसे हम रो वाइज अगर फिल करेंगे तो कितने बार डेटाबेस को एक्सेस करेंगे, सिमिलरली फिर अगर कॉलम वाइज फिल करेंगे तो कितने बार एक्सेस करेंगे, क्वेश्चन है ना? हिट और मिस वाला क्वेश्चन है कि अगर हम रो वाइज चलते हैं तो कितना बार, तो यू शुड राइट कॉन्सेप्ट। अगर वो कॉन्सेप्ट तुमको कॉपी से मिलता है, तुम्हारी कॉपी में है, बट स्टिल राइट इट समवेयर एल्स वेयर जहां पे तुम्हारे ओनली द कॉन्सेप्ट्स विल बी देयर। नोट्स इज नथिंग बट दिस कॉन्सेप्ट्स एंड द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। You need not to write everything in copy and work. You don't have that much time also and effort. Since you are asking this question, you are a lazy one. You are like us. That's all. I'm correct or like, did I presume something or yes, you are? Sir, good? You're correct. You're correct only, right? And nobody asked no, me this sir, question. Cool. Cool. Thank you, Ayantika. Yeah, who is the next one? Thank you, sir. Sir, I'm Sonu. Sonu again. Sir, another question. Another. Sir, how to manage semester preparation and gate preparation? Yes, semester. ठीक है. Sonu, let's. I have heard this question बहुत बार. Let's do it like this. ये है तुम्हारा semester preparation. तुम मेरे को ये बताओ कि इसको तुमको प्रिपेयर करने के लिए कितने घंटे लगे? मैं मतलब कहना चाह रहा था ना कि जैसे सेमेस्टर एंड के पहले मतलब 10 से 15 दिन पहले स्टार्ट करें प्रिपरेशन करने के लिए, या तो फिर डेली एक घंटा या दो घंटा मैनेज करके चलें। तेरी मर्जी है, तू इंजीनियर है तो एक या दो घंटे वाला तो सवाल ही नहीं उठता। 15 दिन पहले से शुरू कर, आई हैव नो इश्यूज इन दैट, बट तूने कहा एक महीने दूंगा, मैं उस पे इशू ले रहा हूं कि भाई एक महीने में पूरा नहीं लूंगा, और जब मैं 15 दिन पढ़ूंगा ना ये, तो आखिरी का एक हफ्ता मैं पूरा उसको दूंगा, बट 15 दिन में मैं सिर्फ रिवीजन करते रहूंगा गेट टू सीजन का, ताकि मैं बिल्कुल भूल ना जाऊं, मेरे लिए सब कुछ नया ना हो जाए। यस सर, पढ़ाई फ्लो में आती है हमेशा, रिमेंबर एवरीथिंग, की पढ़ाई एकदम फ्लो में होती है। वो फ्लो एक बार 15 दिन के लिए, एक महीने के लिए तोड़ दोगे, उसके बाद तुम बोलोगे नहीं मैं फिर वापस आके फिर से नेता बनूंगा, नहीं बन पाओगे। दैट इज व्हाट माय थिंग इज। और ये जो लिखा है ना, मैंने सुनी तेरे लिखा है भाई, गेट और सेमेस्टर, ठीक है,
ये इम्पैक्ट ऑन लाइफ क्या है इसका, ये एक बार कंसीडर कर और उसके बाद फिर से इस क्वेश्चन को सोच। ये जीरो है, नेगेटिव है, लिटरली नेगेटिव है भाई, बस फेल नहीं होना है, बस 7+1 और तेरी 8.3 है। यस सर। और यहां से ये इम्पोर्टेंट है। ओके सर। ये चीज बहुत पहले समझ में आनी चाहिए कि ये है इम्पोर्टेंट। मैं नहीं कह रहा कि एकदम मतलब छोड़ दो, फेल ही हो के बैठो, बैक पे बैक है नहीं, बट बैक से थोड़ा अच्छा हो जाए, बैक ना है और हम पास हो जाए, बस 7+ हो, उससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, कोई नहीं पूछता, कोई पूछे तो मेरे को बताना, ठीक है। हू इज द नेक्स्ट वन? हेलो सर। हाय। हेलो। हेलो। हाँ, आई कैन हियर यू भक्ति, करेक्ट? यस सर। गेट ओवरफ्लो बनाने का मतलब क्या है? आई डिडंट गेट यू, कैन यू गेट मी अगेन? Like, तो ये बताओ, like, where are you from types? A little bit of introduction is necessary before talking to anyone. Yes, sir. I'm from Gujarat. Ahmedabad. Sir, gate overflow में जब मैं cash लिखती हूँ, ऐसा keyword cash, तो वो मुझके 100+ tab आ जाते हैं, वो सारे question के बड़े बड़े हुए, तो क्या उस 100 में से सभी question बनाने होते हैं? What you're saying is gate overflow में अगर तुमने एक cash लिखा तो तुम्हारे पास 100 question आ जाते हैं, तो मैं ऐसे सवाल लगाने नहीं बैठ सकती, करेक्ट? यस सर। मतलब मन नहीं है मेरा, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल। ठीक है, करेक्ट। तेरी नाम? तो तुमने कभी ट्राई किया है लगाने का? यस सर, मैंने ट्राई किया। पहली जो दो टैब होती है वो तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन की भरी पड़ी हो, बाकी सब सभी क्वेश्चन टैब में जाके देखो तो वो तो सारा टाइम वेस्ट ही होता है। तो ऐसा कहीं पे, बट तुम यहां से निकल सकते हो, बट द थिंग इज कि देन यू हैव टू सर का मटेरियल प्लस जो भी पैकेज में है, लाइक पैकेज प्लस कोई एक प्रीवियस ईयर्स का पूरा क्वेश्चन, यू नीड टू डू इट। आइदर तुम वो पूरा करो या तो तुम ये पूरा करो। तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है इन अकॉर्डेंस कि मैं ये सब लगाने के बाद गेट ओवरफ्लो लगाऊं कि मैं सिर्फ गेट ओवरफ्लो लगा रही हूं, लाइक व्हाट इज योर क्वेश्चन एग्जैक्टली? यस सर, गेट ओवरफ्लो कैसे लगाऊं? नहीं तो अगर तुमको ये सबसे हो जा रहे हैं, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मत लगा गेट ओवरफ्लो। कोई ऐसा नेसेसिटी नहीं है, किसी ने हथौड़ा नहीं मार के बोला गेट ओवरफ्लो लगाओगे तभी गेट निकलेगा। तो फिर कॉन्सेप्ट की श्योरिटी कैसे लूं? कॉन्सेप्ट की श्योरिटी टेस्ट सीरीज से आती है। कभी भी कॉन्सेप्ट की श्योरिटी अगर तुमको लेनी है तो तुम कॉन्सेप्ट की श्योरिटी तुम्हारी शीट से या कभी भी उससे नहीं आती है। रिमेंबर दिस थिंग, यू विल नेवर नेवर एवर in your life will get a concept ki surety ki whether I am able to do this question or not by solving sheets or everything. You'll get the surety when you sit in an exam and when you are time bounded by the time and you solve the question in that particular moment ki haan theek hai, if I am able to solve it in 3 hours and I am able to crack 60-70 questions, then only you can get the concept is surety. So that is why I mentioned here ki tumko agar koi cheez complete karni hai to kya hona chahiye, previous year ke question lage hone chahiye, tumhare paas notes tayar hone chahiye aur do test series, full test of that particular subject you should be given. If you are doing well in that, then you are pretty sure ki theek hai, I know this subject or I know this concept. If you are not able to do it, irrespective infinite number of sheets cannot give you that surety. And you will be running over here and there. Main ye bhi kar leta hu, ye bhi kar leta hu, gate overflow bhi kar leta hu, ye bhi kar leta hu, magic bits mein wo jo bhi kuch hai wo bhi laga leta hu, wahan pe. Once you are done with the test and you are scoring good marks, you will be sure ki theek hai, jitna mere ko aata hai that is far more enough. If some new question comes, there is 80% probability that I'll be able to solve it. Okay sir, thank you. Okay. Sure. Who is the next one? Yes sir, I'm from Jharkhand. Okay. Where exactly? Jharkhand sir. Ramgarh. No, exactly in Jharkhand. Ramgarh. Cool. Go ahead. सर मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि इतने सब्जेक्ट्स हैं तो हम कैसे प्रिपेयर करें कि हमें मतलब ऐसा ना रहे कि बहुत ज्यादा है हमें पढ़ना है और धीरे धीरे ही हो जाए अच्छे से एक साल में, ऐसा ना लगे कि इतने कम टाइम बचा हुआ, इतना कम टाइम बचा हुआ है, और इस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सर मतलब वैसा कुछ। तो तुमको ये पूछना है कि
ठीक है, तो तुम्हारे पास कोई एनालिसिस तुमने किया है अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे मतलब यू हैव दिस क्वेश्चन एज ऑफ नाउ देयर हैज टू बी अ प्लानिंग गोइंग ऑन बिहाइंड एवरीथिंग कि मैं क्या क्या करूंगा, कोई भी रैंडम कुछ नहीं करते बैठता कि नहीं मैं आज ये पढ़ लेता हूँ कल वो पढ़ लूंगा फिर ऐसा पढ़ लूंगा, नहीं प्लान इट आउट एग्जीक्यूट इट वेल दैट्स इट, हैव सम बफर इन हैंड कि 15 दिन का डीएसए नहीं है तो 2 दिन का बफर है, बट प्लान इट आउट एवरीथिंग फ्रॉम द फ्रंट। अगर तुम्हारे पास प्लान रेडी है तो तुम डरोगे क्यों, मेरे पास 200 दिन है, मैंने अगर 180 दिन का प्लान बना रखा है कि भाई 180 दिन मैं यहाँ पे मेरा पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी के 20 दिन मैं करूंगा पहले के रिवीजन खत्म, तो तुमको डर नहीं लगेगा, तुमको अभी डर इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है, तुमको पता ही नहीं कि कितना दिन लगेगा क्या लगेगा, प्लान करने में तुमको डर लग सकता है कि सर डीएसए में कितना दिन दूं, कंप्यूटेशनल आर्किटेक्चर में कितने दिन या ओएस में कितने दिन लगेंगे, उसके लिए तुम रीच आउट करो सर को या फेलो जो भी अगर तुम्हारे लोग हैं जिन्होंने किया हुआ है ओएस या उससे। Make a plan, stick to it. That is the only thing तुम जो कर सकते हो। Okay sir. Sir, breaking. बाकी your voice is breaking. Yeah, yeah, your voice is breaking. Okay sir. अब क्या? Cool. Go ahead. Hello sir. Hello. Yeah, I'll try to get to you. Sir, आपने क्या किया था? Sorry. आपने क्या किया था? Gate और flow पूरा बनाया था? यार गेट और फ्लोर नहीं बनाए थे यार, फिर भी हो गया था कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे, तो नहीं है गेट और फ्लोर की नेसेसिटी पर गेट अगर टाइम है तो क्यों नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली ना अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम क्यों नहीं करोगे गेट और फ्लोर, तो सिर्फ प्रीवियस ईयर और सर जो पैकेज भेजेंगे उसमें से करे तो वो सफिशिएंट है, तुम्हारे पास टाइम है कि नहीं है वो क्वेश्चन है। नहीं टाइम तो मैं निकाल लूंगी अभी है नहीं, फिर भी जो टाइम की जरूरत पड़ेगी तो मैं निकाल भी लूंगी, पर हाँ, तो क्या की जरूरत पड़ रही है तो टाइम की जरूरत है, उसको ऐसे डील करोगे तुमको टाइम की जरूरत है, अब तुम बताओ क्या होगा, जो नेसेसिटी होगा तो मैं निकाल भी लूंगी गेट ऑफ फ्लो के लिए, क्योंकि अगर तुम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो मान लो, ठीक है तुमने बोला एक टैब दो टैब, मान लो अगर तुम 200 क्वेश्चन सॉल्व कर रही हो ठीक है, हाँ सर अभी यहाँ पे रहना मेरे साथ ठीक है, लाइक 2 मिनट्स आई वांट यू टू हियर, लाइक 200 क्वेश्चन अगर आप तुम सॉल्व कर रहे हो और उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हुए जो गेट में आ गए ठीक है, बट वो क्वेश्चन स्टडी मटेरियल और पैकेज में नहीं था ठीक है, हाँ सर, पर उसके लिए भी मेरे को सभी टैब में जाके देखना पड़ेगा ना कि वो कि कौन सा क्वेश्चन है जो वो दोनों में नहीं था, तुमको क्वेश्चन पढ़ के नहीं समझ में आता कि मेरे से एकदम आसानी से बन जाएगा ये इसमें कुछ नया कांसेप्ट लग रहा है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का यस सर आता है समझ में, वो भी 100 टैब में से जाना तो पड़ेगा ना, वो तो जाना तो पड़ेगा ही, वो तो तुम कहोगे फिर मैं कि बुक में मैं 500 पन्नों में नहीं जाऊंगी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के लिए मींस केश केश कॉन्सेप्ट के लिए मेरे को सिर्फ 100 कॉन्सेप्ट 100 टैब में जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा तो वो पूरा तुमको एंड टू एंड लगाने की जरूरत नहीं है, रैंडम लगा के देखो ना, रैंडम मींस कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, क्वेश्चन छूटे ठीक है कॉन्सेप्ट नहीं छूटना चाहिए, तो सपोज आईआईटीज में क्यों नहीं हुआ क्या कभी ले गए तो सर कंटिन्यू कर Cool? Yes, sir. Somebody else has any question? Hello, sir. Antika here. Yeah. You're from Kolkata, right? हाँ, yes, sir. Cool. Go ahead. Coding, coding के लिए जो मतलब कि मैं अगर coding मेरा strong करना चाहती हूँ, तो course कोड शेफ होता है या हैकर रैंक होता है, हैकर रैंक होता है, कोड शेफ होता है, लीड कोड होता है, इंटरव्यू बिट होता है, हां तो वहां से कोडिंग करना अच्छा होता है क्या? बिल्कुल अच्छा होता है, मतलब कि आपने जो कहा कि कोडिंग को लिंक करनी है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि लैंग्वेज में इंप्लीमेंट करनी है, आपने कहा कुछ देर पहले, उसमें से मैं कोडशेफ में जाके कुछ भी प्रैक्टिस कर लेती हूं तो मेरा कोडिंग, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कोडशेफ एकदम डायरेक्टली, डोंट जंप इनटू कोडशेफ, आई वुड सजेस्ट कि जैसे तुमने स्टैक बना लिया करेक्ट, अब तुमको आती है लैंग्वेज C++ करेक्ट, हां तो तुम जाओ लीड कोड में, लीड कोड में स्टैक के क्वेश्चंस होते हैं, तुम सिर्फ स्टैक लिखोगे तो फिर स्टैक के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस क्योंकि हमने स्टैक इंप्लीमेंट किया है,
हर दिन में एक क्वेश्चन लगाओ. इफ यू आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन अ डे, कोई कंपनी तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है. हां सर, लीड कोड राइट, कोई बहुत सब कुछ, कोई सभी क्वेश्चन सेम ही होते हैं. तुम जाओ लीड कोड करो, तुम जाओ इंटरव्यू बिट करो, या हैकर रैंक करो, या हैकर अर्थ करो, या कोड शेफ करो, या कोड फोर्सेस करो. सब नाम है अलग अलग, क्वेश्चन तो एक ही होता है ना, बिकॉज स्टैक तो स्टैक ही रहेगा ना. हाँ सर, वो फर्स्ट इन लास्ट आउट ही करेगा ना भाई. वो पहला जो जाएगा वो आखिरी में निकलेगा, वो उसका कॉन्सेप्ट तो वही करेगा. वो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. डीएफएस तो वैसे ही इम्प्लीमेंट होंगे ना. वो क्वेश्चन में कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है वो इम्पोर्टेंट होता है. yes, तो कोडिंग थोड़ा सा पार्ट की व्हाट वी डू इन एमटेक फॉर कोडिंग, और ऑल्सो फॉर अदर गाइज ऑल्सो. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आस्क मी दिस, कि व्हाई वी फेस सम इश्यूज. क्योंकि हम लोग को कोडिंग ज्यादा नहीं आती थी बेसिकली, भी थोड़ी सी आती थी, एकदम भी गधे नहीं थे, बट वी डिडंट नो मच. ठीक है, तो व्हाट इज की प्लेसमेंट के लिए वी हैव टू डू एवरीथिंग. और उसके लिए जो मैं तुमको अभी करने बोल रहा हूँ ना, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू. कि यू नीड टू क्रिएट अ हैकर रैंक अकाउंट और अपने नाम, मतलब अपना रैंक 5000 या 4000 या ऐसा ऐसा करके लेके जाओ. इफ यू नो शुभम, शुभम इज देयर ना, देयर इज वन, इफ यू गो थ्रू द पॉम्पलेट्स, देयर इज शुभम वाजपेयी एंड दीपांजन कौर. These two guys are there. They are both from IIIT. तो एक कोडिंग में शायद तुम लोग को पता हो, अगर नहीं पता है तो ACM ICPC इसको सर्च करो. What is this? ये भी एक कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है, लाइक मतलब कॉम्पिटिशन होता है. One of the better competition that is around in India, I guess. So they have cleared this. So they also did the same thing. If you want, I can get you their number. If you want, if you are really inclined toward coding, I can give you their number. Also basic coding, yes, I can even tell you. But if you want to go into the extremely competitive stuff, we can refer to you and you can talk to them directly on to how to manage coding plus gate, how to do that. That would be really awesome for you guys also, if you can arrange a session for you. Yes, sir, definitely. Cool. Yes, sir. In which semester are you in currently? So I'm in third semester. It's very good that you are thinking about coding from third semester itself. If you start solving one question per day, na, like anyone will recruit you if you are from good college. Yes, I try to do sometimes, but they are quite difficult for me sometimes. And yeah, it will be difficult na, because you don't know the basic implementation of how it works. That's what. Yes. Sometimes what happens is, see, there are two phases of coding. First is we don't get the logic, but we can implement once we have it. Second is when we know the logic, but we don't know how to implement it. So you people are in the first phase. You know the logic, matlab ki isko sort karna hai, but how to sort it, tumhare koi edge cases idhar udhar atak jate ho. And you will keep on sitting for 1 hour or 2 hour debugging the code, how to do it. Also, you people don't know the tools. Do you use a debugger while coding? Do you know what debugger is? सर, अगर कोई भी कोडिंग मुझे करनी है वो मुझे आता नहीं है, तो मैं फर्स्ट में जाके कोई मतलब कि नेट में ऑनलाइन कोई सर्च कर लूं. शुरुआत कैसे करना है? या तो देखो, सबसे मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे आसान तरीका होता है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं सबको हैकर रैंक से शुरू करो. ठीक है, हैकर रैंक ले जाओ, एरे के बारे में पहले उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसमें दिया होता है, उसके इजी क्वेश्चंस लगाओ जो इजी के अंदर आते हैं, इजी टाइप के. Easy अगर तुमसे सारे लग जा रहे हैं तो मीडियम पर, मीडियम में तुमसे अगर तुम्हारे इजी लग गए तो मीडियम. मैंने क्लियर कर ली हूं सेकंड सेम में, लेकिन उसके बाद में नहीं कर पा रही हूं. सॉरी, इजी क्वेश्चंस तो था ना हैकर रैंक में, वो सारे क्लियर हो चुका है मेरा सेकंड सेम में, लेकिन अब उसके बाद से मैं नहीं कर पा रही हूं अभी. हां, सो मीडियम में तुम अटक रहे हो, करेक्ट? हां, दैट इज वेरी फेयर कि तुमसे 40% केसेस बनेंगे, क्योंकि बिकॉज़ यू आर, हम लोग से जैसे अभी मैं बोल सकता हूँ तुमको कि इफ यू आस्क मी सम मीडियम लेवल का क्वेश्चन इन हैकर रैंक ना, मैं वो क्वेश्चन तुमको बता दूंगा कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा है वाला है क्या, ये है क्या क्वेश्चन टाइप्स. व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज़ कि व्हेन यू आर डीलिंग द क्वेश्चन विद द फर्स्ट टाइम, दिस हैपेंस इन गेट ऑल्सो. व्हेन यू आर डीलिंग विद द कॉन्सेप्ट और अ क्वेश्चन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यू रियली डोंट गेट इट. सो व्हाट डू यू थिंक इज कि भाई ये तो मेरे दिमाग में क्लिक ही नहीं हो रहा है, तो आई विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट.
Correct? Yes, sir. Coding is nothing but math. How do you do math? Do you get all the concepts the very first time? No, right? You keep on practicing it. So once you have solved a question, like say medium ka first question, once you have solved, or even gate maybe some concept, once you don't get it, you read about it, and then you again, when you for like for a month or a half or even after 15 days when you are doing the revision, when you come back to that particular question, you got get it, correct? Because you have already solved this question, you already know this ki aisa kaise hota hai, approach kya. Yes, correct. So this will happen. In the beginning, these questions you will not be able to. Even in gate, this will happen. Even in coding, this will happen. You will not be able to solve end to end. The thing is, ki once you know these questions, how do you take care of these questions? Ki when I come back to it, or if the question comes back to me in the gate or in the test series, how I am able to crack it? और भी एक question है कि coding में अगर कोई भी code में करने बैठती हूँ, तो उसमें से अगर मुझे नहीं आ रहा है वो, तो कितने वक्त try करनी चाहिए? Yeah, so this question is one and a half hour, 2 hours for you guys. और gate का question जो आता है booklet या previous year उसके लिए. The trick is not to waste much time, but the trick all देखो दो faces of the coin है यहाँ पे. पहला है कि तुम ऐसा नहीं कि तुम एक क्वेश्चन के लिए 10 घंटे बैठे रहोगे कि मेरे को इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता पर मैं 12 घंटे बैठा हूँ क्योंकि मैं अपने से सॉल्व करना चाहता हूँ. वो अप्रोच गलत है. सेकंड इज कि मेरे से कुछ भी नहीं बना तो मैंने देख लिया. तो दैट इज ऑन पर्सन टू डिसाइड कि वंस यू हैव थॉट कि ठीक है ये क्वेश्चन आया, लेट्स से कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन आया कि भाई मतलब पेजिंग का एक क्वेश्चन आया और सेगमेंटेशन का एक क्वेश्चन आया. वंस यू थिंक कि मैंने सारा कुछ जितना मेरे को नॉलेज था आई हैव अप्लाइड एवरीथिंग इनटू दिस, try to improvise also thoda sa idhar udhar karke. Once you are very sure ki nahi maine mere mujhe agar teen concept pata the is cheez ke to maine wo teeno apply kar liye hain, uske baad bhi agar question nahi ban raha then jump to the next question or go to the solution of the question. Don't get stuck. But I have seen people getting stuck on this question for one day. I was the one of the guys who got stuck on the question. I'm telling you this, which was major fault that I had. Even now sometimes I get stuck in the question, but I try to leave the question now for 2 ghante ke baad I try to go ahead. So this is like once you are pretty sure ki whatever knowledge I had in my mind I have used it all and it's still not coming up, go ahead, do it, see the solution. Don't just get stuck. It will take a lot of your time and you are not able to solve this question because of your technical incapability, not because of your implementation level incapability. Okay, sir. Got it. Cool. Someone else? Hi भैया. Hi. भैया मेरा ये doubt था कि मतलब जैसे M Tech करते हैं तो वहाँ पे सब लोग competitive coding करते हैं या फिर DSA से भी हो जाता है placement का? Bro, DSA is the competitive coding ना? What do you mean by DSA? नहीं मतलब DSA मतलब जैसे आपने code forces है जैसे हमारा तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो जैसे अपना division 2 हो गया तो मैक्सिमम सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर. लेकिन जब हम लोग प्लेसमेंट का जब देते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट वगैरह का टेस्ट हो गया तो वहाँ पे ज्यादा मतलब डीपीयू वगैरह आता है. लेकिन कोड फोर्सेस का जब टाइमिंग वाला कॉन्टेस्ट होता है तो हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते डीपी वाले तक, तो उसकी प्रैक्टिस थोड़ी कम रह जाती है. So bro, तेरा aim क्या है? If you want to be a good competitive, see there is a difference between a competitive programming and there is a difference between the placement preparation. That's what I want to ask. Placement preparation. Yes, so there is a significant difference. But what is the competitive programming क्या होता है? दूसरे की placement की programming की या placement की preparation क्या होती है? There is a substantial difference. ये जो मैं ACM-ICPC बता रहा था ना, this is competitive programming जिसमें बहुत सारा math use होता है. क्या सब कुछ यूज होता है. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग दिस इज व्हाट इज कि तुमको कितने टाइम पे बनाना है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एवरीथिंग विल मैटर. प्लेसमेंट प्रिपरेशन इज एंटायरली डिफरेंट. देयर इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, देयर इज अ छोटे से टाइप से क्वेश्चंस होते हैं, ईच कंपनी विल आस्क दिस ऑनली, लाइक डीपी हो गया और ये सब हो गया जो तुम बोल रहे हो. तो डोंट कंफ्यूज, वही 600-700 क्वेश्चन होते हैं जो. हां तो ये जो हैकर रैंक है दिस इज फॉर प्लेसमेंट, बट आई थिंक कोड फोर्सेस की जो होते हैं दैट इज फॉर कॉम्पिटिटिव. दैट इज व्हाई आई रेफर टू यू गाइस कि पहले हैकर रैंक लगाओ क्योंकि वो आसान होता है और उसका मतलब तुम्हारी कंपनी की प्लेसमेंट की तैयारी हो जाएगी एंड देन गो टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम. बिकॉज मोस्टली यार मान या नहीं मान ज्यादातर लोग जॉब के लिए ही कर रहे हैं ना. हाँ नॉलेज के लिए और तो एक और हाँ वैसे टाइप से. तो इसीलिए पहले कवर द बेस कि तुम्हारा कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं, तुम्हारा जो प्लेसमेंट की तैयारी पहले से हो जाए एंड आफ्टर दैट वंस इफ यू आर रियली थरो विद इट यू कैन गो विद द कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम. सो डोंट मिस इंटरप्रेट, डोंट मिक्स द वर्ड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड प्लेसमेंट की तैयारी.
एक्चुअली क्या अभी तक थोड़ा मैंने कॉम्पिटिटिव का किया है और अभी मैं 6th सेम में भी जाने वाला हूं, तो अभी प्लेसमेंट का मतलब करना चाहिए ना या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो कर रहा हूं उसी पे यू डन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग व्हाई आर यू वरीड अबाउट द प्लेसमेंट का प्रोग्रामिंग ब्रो नहीं मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया है अभी इसलिए हां सो आई विल रेफर की डोंट स्टॉप इट बट पुट इट ऑन अ होल्ड फॉर सम टाइम पहले इफ यू हैव डन द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द डीपी एंड एवरीथिंग एंड अदर स्टफ सो गो फॉर देयर इटसेल्फ पहले प्लेसमेंट की तैयारी कर ले वंस यू हैव अ जॉब इन हैंड Go for this one. Why are you worried? हाँ और भैया एक डाउट और था कि जैसे हमारा गेट का प्रिपरेशन होगा कब तक हमारा किस मंथ तक मतलब आइडियल टाइम है कि खत्म हो जाना चाहिए उस समय तक हमारा सब कुछ मैंने से गेट का सीरीज है फरवरी करें हाँ फरवरी करेक्ट या आइडियल टाइम आई वुड कीप इस मिड ऑफ दिसंबर और द फर्स्ट ऑफ जनवरी डिपेंड्स व्हेन इट इज एग्जाम सो टू मंथ्स शुड बी देयर फॉर रिवीजन दैट इज व्हाट आई बिलीव एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल This will happen. और भैया गेट ओवरफ्लो जैसे कुछ लोग बोलते हैं टॉपर्स बोलते हैं जैसे 2 से 3 बार सॉल्व करो तो मतलब कितनी बार करना चाहिए और सारे क्वेश्चन बनाने चाहिए या जो नहीं बन रहे हैं वो बनाने चाहिए यार ये बड़े सब्जेक्टिव से हैं मतलब क्वेश्चन पढ़ के देखो समझ में आ जाते हैं कि बनेगा कि नहीं बनेगा हाँ करेक्ट उसके बाद तू मिस्टेक जो करता है वो तेरी क्या बोलते हैं उस वो गलती होती है कि तुमने ज्यादा सवाल लगाए कि नहीं लगाया वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की मिस्टेक होगी मैं प्रैक्टिस अगर था मैं तो वो गलती होगी मतलब प्लस माइनस की गलती ये तो नहीं होगी तो सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से पढ़ने चाहिए सारे क्वेश्चन पता नहीं टॉपर्स अगर बोल रहे लगाने चाहिए मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए कि मेरे से कोई छूट ना जाए दैट्स व्हाट वी आल्सो डू हमारे साथ एक देयर वाज लाइक अब तो पहले हो गए थे तो हर्षा साहू शी वाज द वन जो कि इतने क्वेश्चन लगाती थी और आए बाय तो कुछ भी हो तो शी एटलीस्ट न्यू द क्वेश्चन कि हाँ ये ऐसा बनेगा इसका कंसेप्ट ही होगा तो हर क्वेश्चन लगा हुआ बट यू शुड नो कि ये क्वेश्चन अगर एग्जिस्ट करता है तो तेरे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए ओके थैंक यू भैया थैंक यू ब्रो इज देयर एनीवन एल्स जनरल आइडिया हेलो जी सर हम लोग का सर हम प्रोजेक्ट वगैरह कोई भी ना बनाया नहीं है प्रोजेक्ट का कोई आइडिया नहीं है तो सर अगर गेट में जैसे कुछ आईआईटी वगैरह होते हैं जो इंटरव्यू लेते हैं सिर्फ गेट के थ्रू एडमिशन नहीं लेते हैं तो सर प्रोजेक्ट से भी इंटरव्यू पूछते हैं तो सर हमारे पास कोई आइडिया नहीं है प्रोजेक्ट का तो सर क्या करें ठीक है यार मेरे को जैसे 2 क्वेश्चन है ठीक है विजय करेक्ट जी जी सर तो विजय कहाँ कहाँ पे होता है इंटरव्यू डू यू नो जी सर नहीं सर तो यार 2 जगह पे होता है एक आईआईटी जेजी पे होता है और एक शायद केजी कानपुर में कानपुर में अब नहीं होता फुल दिल्ली में होता है सर दिल्ली में दिल्ली में होता है हाँ दिल्ली में तो होता है और बिट्स में होता है कानपुर बट तुमको पता है इसमें क्या होता है इंटरव्यू में सर सुने हैं कि सर प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ पूछा जाता है यार प्रोजेक्ट के बारे में क्या पूछा जाता पता है कि तुमने प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया हां वो तीन तक पूछते हैं ये पूछा जाता है ये नहीं पूछा जाता कि भाई तूने मशीन लर्निंग क्यों नहीं पढ़ रखी तूने ये क्यों नहीं उखाड़ रखा कि तू ये क्यों नहीं कर सका तो सर हमारे पास कोई आईडिया नहीं है कोई कुछ भी प्रोजेक्ट का कोई आईडिया नहीं है सर प्रोजेक्ट का आईडिया आ जाएगा ना क्या दिक्कत है प्रोजेक्ट ही बनाना है ना एक जी जी सर हां तो एक प्रोजेक्ट अगर तुम्हारे पास मेजर प्रोजेक्ट बनाओगे तू अभी कहां स्पेड रहा पता है ये इनिशियल स्टेट है ये छोटा सा वो है उसके बाद फिर ये फिर आगे का तू यहां के लिए डर रहा है जबकि तूने यहीं पे शुरू नहीं किया है पहले ये स्टार्ट तो कर उसके बाद फिर प्रोजेक्ट चले तेरे को मेरे को पता मेरे को कॉल करना मैं तेरे को दूंगा प्रोजेक्ट ठीक है सर देखो जिस चीज का प्रोजेक्ट चाहिए ना वो भी दूंगा मैं ये भी बता सकता हूं बैक एंड चाहिए फ्रंट एंड चाहिए फुल स्टैक चाहिए एमएलए जैसा भी चाहिए वो लोग ये नहीं देखते कि तेरा प्रोजेक्ट कैसा था या तूने कुछ बहुत ज्यादा झंडे गाड़े के लिए पेपर पब्लिश करके आया था वो ही बस ये देखते हैं कि भाई जो तुमने अगर प्रोजेक्ट तुमने कुछ किया है कि नहीं किया तो झूठ तो नहीं बोल रहा बिट्स में भी होता है इंटरव्यू उन्होंने भी पूछा था मेरे से फेवरेट सब्जेक्ट क्या है बस पूछा फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ये अच्छा ये किताब है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा कि ठीक है मतलब जो बेसिकली आईएससी में भी होता था इंटरव्यू मेरे भाई का भी हुआ था आईएससी में इंटरव्यू तो उससे भी यही पूछा गया था वो लोग ये देखते हैं कि हाँ भाई यही बंदा है कि नहीं जेन्युइन सा कि जिसने दिया है कि नहीं दिया है वो ये नहीं देखने बैठते कि तुम्हारा मतलब पुराना इतिहास क्या है तुम भाई एकदम टॉपर रहोगे तो ही तुमको लेंगे नहीं तो तुमको निकालेंगे ऐसा नहीं होता उनको भी पता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी सर थैंक यू सर ठीक है
Is there someone else? ठीक है सर, कुछ ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइक व्हाटएवर यू आर डूइंग, थैंक यू सर, थैंक यू. मोहित, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? सर एक बार अपने आपने कैसे प्रिपरेशन किया था वो बता दीजिए. यार प्रिपरेशन मैंने जैसे बताया ना तुझे कि मेरा एकदम सिंपल लॉजिक है, ये क्वेश्चन आई हैव हैड एटलीस्ट आंसर्ड 100 टाइम्स, आई विल आंसर इट अगेन. जो क्लास में चल रहा है वो तेरा हो जाता है, दैट्स इट, दैट इज व्हाट प्रिपरेशन इज फॉर मी, कि जो क्लास में चल रहा है वो हो जाना चाहिए और 15 दिन में मैं एक बार उस चीज का रिविजन कर लूँ. इफ यू आर डूइंग दिस, बिलीव मी, यू आर डूइंग मोर देन एनफ. ओके सर. Cool. And when I say हो जाना चाहिए, I mean most of the questions whichever are there in this पूरा internet, you chat के हो गया खत्म. I'm done with the concepts जैसे class में चल रहा. If you are done, if you are doing this much, that is more than enough. ज़्यादा कुछ rocket science है नहीं, it's basic. Cool. Thank you. Okay sir. चलो guys, thank you so much for really nice talking to you. I've got a real perspective. What is there, what is not there. You will have asked really genuine question with the coding and stuff. I wasn't expecting that, to be very honest. I didn't expect someone to say, Miki, I have solved competitive programming division 2 questions. And then there are guys who have already told me they're doing hacker and stuff. It's really good ki you people are going over there. Ki this is not the only thing that we want. We want this also, but how to manage both of them. That is absolutely brilliant. But even if you're doing gate only for now, and if you're not very sure whether you'll be able to crack the gate if you're going into the coding and stuff, that is also nice for me. Cool. So really nice. Thank you all. Thank you for joining. Sonu, you are saying something. Yes, sir. Yeah. Sir, मैं पूछ रहा था ना कि online मतलब doubt clearing करने के लिए कौन-कौन सा platform use करना चाहिए? दोस्तों का platform bro. I'm repeating this again and again and again and again. And I request sir also to create a doubt का platform. Sir, can we? WhatsApp group is there ना? यार प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं होती, तेरे को लोगों की जरूरत होती है जो तेरे को क्लियर किया. व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल, इफ यू डोंट गेट द आंसर देन टेल मी ना कि मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है. जैसे गिग्स फॉर गिग्स है ना सर, उस टाइप से अगर कोई और प्लेटफॉर्म जिससे कोई किसी टॉपिक के बारे में हमें कुछ पूछना है. देयर स्टैक ओवरफ्लो इज देयर. ओके सर, व्हाट इज द इशू? बिकॉज़ गेट ओवरफ्लो के ग्रुप्स भी हैं, फेसबुक पे ग्रुप है गेट ओवरफ्लो का, हमने तो सारे ज्वाइन कर रखे थे. उसमें लोग बड़े-बड़े क्वेश्चन डालते थे, हम कमेंट करते थे उसमें. मत मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट्सएप का ग्रुप, क्योंकि तुम अगर डालोगे तुम्हारे अपने कलीग्स होंगे, वो तुमको रिप्लाई करेंगे तुम्हारी अपनी भाषा में. ओके सर. कूल. थैंक यू सर. कूल. थैंक यू सो मच गाइस.